सो गाइस, हम लोग याना केव्स पहुंच गए हैं। यहाँ से ट्रेक करके थोड़ा जाना पड़ेगा, हाफ ए किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी पे याना केव्स है। ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे पार्किंग है, ये जगह पार्किंग है। यहाँ पे देखें, सारे गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क किया हुआ है। सो याना केव्स जो है ये कर्नाटका में जो कुमटा फॉरेस्ट है उसके अंदर में है। ये याना विलेज, उसके अंदर में ये केव क्रिएट हुआ है। ये हैंडमेड या फिर किसी ने मैनमेड नहीं है, दिस इज़ सेल्फ मैनिफेस्टेड केव। यहाँ की जो केव है दिस इज़ वेरी फेमस। यहाँ पे लॉर्ड शिवा की पूजा की जाती है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। दिस इज़ द सेकेंड क्लीनेस्ट विलेज इन इंडिया एंड कर्नाटका में यह सबसे क्लीनेस्ट विलेज है, याना विलेज। यहाँ पे जो फेस्टिवल होती है महाशिवरात्रि, वहाँ पे उस टाइम पे यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं, बहुत सारे यहाँ पे भक्त आते हैं। यहाँ पे लगभग 10,000 के करीब यहाँ पे फेस्टिवल भी होती है, वो अटेंड करने के लिए आते हैं। और उसके बाद यहाँ से होली वाटर, वो आप लोगों को मैं आगे चल के दिखाऊँगी। जो केव है उसके शिव जी के जटा से वो निकला हुआ है, वहाँ से होली वाटर वो लोग कलेक्ट करके लेके जाते हैं फर्दर यूज़ के लिए, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। तो आगे हम लोग चलेंगे ट्रैक करते हुए याना केव्स, और आप लोगों को वहाँ के भी। ये ट्रैक जो है ये 2 किलोमीटर का है, 1 किलोमीटर का नहीं है। पहले हम लोगों को पता था कि 1 किलोमीटर का है, लेकिन बाद में पता चला कि ये 2 किलोमीटर का है। काफ़ी स्टिफ है, और लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम कर करके चलने की जो एक आदत थी वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अभी थोड़ा बहुत मतलब एफर्ट दे के हम लोग चल रहे हैं, लेकिन मज़ा आ रहा है बहुत। और बहुत शांत है, क्राउड है लेकिन इतना भी नहीं है, काफ़ी थोड़ा बहुत क्राउड है। और आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि आगे का नज़ारा कैसा है, और आप लोगों को भी मैं दिखाती हूँ। चलिए, जाके फोटो तो लेना है। तुम्हें काटने से तो शायद ही मिलेगा तुमसे। अब तुमको काटने से दारू मिलेगा ना। जी, हाउ बैड, हाउ बैड। इधर इधर से भारी चल रहा। हाँ, भारी चल रहा। इधर से जा सकते क्या? वहाँ नहीं, उधर से जाना है। वहीं से बट होटल अपने को पता नहीं होगा ना हम लोग। हाँ, ये बेटर रहेगा।
सो गाइस फाइनली मैं पहुंच गई। हालत मेरी बहुत ख़राब हो गई और मतलब बहुत ही रेंगते रेंगते आई, लेकिन फाइनली पहुंच गई। और व्यू जो है आने के बाद, इतना एफर्ट डालने के बाद, व्यू अमेजिंग। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, आपने देखा होगा, व्यू बहुत अच्छा है। और ये जगह जो है, यहाँ पे आके शूज़ यहाँ पे आपको जमा रखना है या फिर यहाँ पे खोल के कहीं पे भी रखना है और आगे और चल के जाना है जहाँ पे वो एरिया है याना केव्स की, और नंगे पैर जाना है वहाँ पे। सो ये कहा जाता है कि 18 सेंचुरी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये सर्वे किया था ये विलेज का, याना विलेज, तो वहाँ पे कुछ 10,000 के आसपास थे फैमिलीज, लेकिन पॉपुलेशन जो था, लेकिन अभी उसके बाद धीरे धीरे लोग माइग्रेटेड हो गए जॉब्स के लिए। तो यहाँ पे अभी बहुत ही कम बची कुची फैमिली है, जिसमें एक फैमिली प्रीस्ट की भी है जो पूजा करते हैं इस केव्स की। तो आगे चलते हैं और व्यू एंजॉय करते हैं। तुमको देख के लगता है तो कुछ होगा नहीं हम लोग, अभी तुम ही डर रही हो तो हम लोग क्या हो? सो गाइज मैं अभी हूँ याना केव्स के बिल्कुल एंट्रेंस पर। हम लोगों ने वहाँ पे शूज़ उतारे और वहाँ से कुछ 200-300 मीटर्स की दूरी पे ही है ये एंट्रेंस। और ये हाथ में मैंने लकड़ी लिया है क्योंकि मंकीज बहुत है, आपके पास खाना होगा तो वो आपके आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो ये हमने लिया। अभी देखिए मेरे ये पीछे की व्यू, ब्यूटीफुल इट इज़, इट्स गॉड्स ओन क्रिएशन। इट्स मतलब मैं क्या वर्ड में बोलूँ, आप खुद देख लो, इतना ज़्यादा अच्छा है, इतना मतलब ये लगता है कि अनएक्सप्लोर्ड है, लोग बहुत कम है यहाँ पे, लेकिन बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। आप लोग एक बार विज़िट करो ज़रूर, ये मैं कहूँगी अब एक बार विज़िट ज़रूर करना, गो करना अगर आप आए तो याना केव्स, इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। अभी हम लोग याना केव्स के अंदर हैं और आप देख सकते हो कि कितना ब्यूटीफुल प्लेस है, बहुत खूबसूरत है। इट्स लाइक नेचर्स ओन क्रिएशन, किसी ने बनाया नहीं है, कुछ नहीं है, इतना खूबसूरत सा जगह है। अंदर बहुत सारे बैट्स हैं और उसके एक स्मेल भी आ रही है, तो बट ये व्यू जो है ये वर्थ इट। इतना हम लोग मेहनत करके ऊपर आए, लेकिन ये एब्सोल्युटली वर्थ इट है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। गाइज ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे दो पहाड़ यहाँ पे आपस में यहाँ पे जाके ऊपर जुड़ गए हैं, तो एक जो है ये भावेश्वरा शिखरा है और एक जो है मोहिनी शिखरा, शिखरा मीन्स हिल्स है। तो ये दोनों पहाड़ जो है हिल्स आपस में जाके ऊपर जाके मिल गए हैं, तो एक को शिव जी का माना जाता है और एक पार्वती जी को माना जाता है। तो ये बहुत होली प्लेस है यहाँ के लिए, और आगे चल के और भी कुछ देखने को मिलेगा, तो हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। आइए मैं लेके चलती हूँ आप लोग। Thank you.
हिडन प्लेस बनाया गया इधर से बेसिक चलना चलेंगे। सो गाइस, हमने याना केव्स की जो परिक्रमा थी वो कंप्लीट की। ये एग्जिट पॉइंट है और यही सीरीज जो है अपोजिट साइड से स्टार्ट होती है। तो हम लोग वापस यहाँ पे आए, अभी यहाँ पे पैर साफ करेंगे और जूता पहनेंगे और चलेंगे वापस 2 किलोमीटर नीचे पार्किंग में। तो चलिए। अच्छा, और एक चीज़ बोलना रह गया, ये याना केव्स विज़िट करने के लिए वहाँ पे टिकट मिलेगी एंट्री पॉइंट पे, जो कि 10 रुपीज़ पर हेड है। और हाँ, पानी की बॉटल नीचे से ज़रूर खरीदिए, एटलीस्ट 2 पानी की बॉटल लीजिए, क्योंकि बहुत पानी लगेगा, बहुत ज़्यादा स्टिप है। और अगर लॉकडाउन में आपकी भी हालत मेरी जैसी है, चलने की आदत छूट गई है, तो आपको पक्का लगेगी तो पानी की बॉटल कैरी करना मत भूलिए।